से रजनी आईडी रजनी से दवा के लाइक एक्सटेंड होती है। चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स। साक्षी सुनो अच्छा सर साइड में सर बायोलॉजी पढ़ा रहे क्या सर? चलो सर स्टार्ट करते हैं। क्या ज्यादा आवाज आ रहा पीछे क्या? हाँ सर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा बहुत। सर बैकग्राउंड का नॉइज आ रहा सर थोड़ा सा। नहीं सर बियरेबल है। अब हाँ अभी ठीक है। चेक कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन टॉपिक डालना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। सुनो पहले देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस। पहले क्वाड्रेटिक होता क्या है देख लेते हैं। सुनो सर डिग्री टू रहेगा। हाँ डिग्री टू रहेगा। इलाक पॉलीनोमियल पर पढ़ चुके होंगे पॉलीनोमियल में। डिग्री टू रहेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और एक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू y। ठीक सुनना। इस केस में क्या है देखो ध्यान से। इस केस में ना हम लोग ये बोल सकते हैं सर यहाँ पे ना y को एक्सप्रेस्ड किया गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। नहीं इन टर्म्स ऑफ एक्स। यस सर टर्म्स ऑफ एक्स ऐसा बोल सकते हैं ना कि वाई इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस सी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया ना उस चीज को बोला जाता है एक्सप्रेशन। उस चीज को बोला जाता है एक्सप्रेशन। अगर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए वो होता है एक्सप्रेशन। ठीक यस सर। पहला जो दिख रहा है ना फर्स्ट वाला वो हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये वाला ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसमें क्या है इसमें इस केस में y को जीरो कर दिया गया ना दैट मींस इसमें कुछ ऐसा x का वैल्यूज मिलने वाला है जिसको पुट करोगे तो आउटपुट जीरो मिलेगा। ऐसा कुछ है ना ये चीज। यस सर। इसमें हम लोग एक एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं ना। एक एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं ना तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस किया गया है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है वैसे चीज को बोला जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है। और सेकेंड वाला में देख इसमें इस चीज को LHS को जीरो एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ इक्वेट किया जा रहा है ना। हाँ सर। यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं था ये वेरिएबल था। हाँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ इक्वेट किया जा रहा है ना कि हाँ सर। इसमें बोला कि वैसा एक्स कुछ वैसा एक्स निकल के आएगा जिसको पुट करने पे जीरो आ जाए। ये चीज बोल रहा ना। हाँ सर। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। ओके मान लो एक लीनियर का भी एग्जांपल देते हैं वाई इक्वल्स टू सॉरी 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 मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं अगर इधर दिया y को तब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। और अगर इक्वल टू 0 का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y को 0 कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। एक लीनियर का भी जान लेते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ये हो गया तेरा एक्सप्रेशन। ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अच्छा सुनो जरा ध्यान से चीज और सुनना। अगर इसी को ना इसी चीज को अगर ऐसे लिख दिया इसको 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 अगर ऐसे लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, मतलब वाई को इस साइड लाके जीरो से इक्वेट कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल टू, हाँ टू वेरिएबल, डिग्री टू हो जाएगा, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, एक्सप्रेशन मत बोलना इसको, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों मिक्स कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इक्वेशन एक्सप्रेशन क्लियर है क्या? सर भाई अगर सेम सी को एलएचएस में, सर अगर वही सी को आरएचएस में ला दिए, इक्वेट कर, हाँ अगर उसी वेरिएबल को आरएचएस में ला दिए तो एक्सप्रेशन हो गया, और उसी को इस साइड ले आए तो इक्वेशन हो गया, ठीक है? जैसे मान ली ये लिखे वाई कांस्टेंट वेरिएबल आरएचएस में आ गया तो वही एक्सप्रेशन हो जाएगा ना सर? हाँ बच्चा, जैसे यहाँ देख 2x - 3 को LHS में ले आए, ये ना ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, सेम चीज है, देखो दोनों इक्वल है, ये क्या होता है लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नहीं पढ़ा था ना तुम लोग लीनियर इक्वेशन में ax + by = 0, इसको इक्वेशन बोलते थे ना? सर एक बात बताइए, जीरो भी तो इधर कांस्टेंट है, तो जीरो को एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सप्रेशन नहीं कर सकते इसको? जीरो कांस्टेंट है ना, जो वैरी तो नहीं करेगा ना, वो तो फिक्स चीज है, यहाँ पे क्या है कि तुम डिफरेंट डिफरेंट एक्स पुट करते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट वाई मिलते जाएगा, तो वाई का बहुत सारा वैल्यू आएगा एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब इधर तो बस एक ही वैल्यू है तो इक्वेशन इसलिए हो रहा है ना सर? हाँ किसी पर्टिकुलर चीज से इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व करके वैसा चीज निकाल रहे हैं जिसको पुट करने पे जीरो आ जाए। अच्छा आप लोगों को इक्वेशन एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। इसका दूसरा वेरिएबल का कॉम्बिनेशन लिख दे एक्सप्रेशन, और सारा चीज एक साइड हो, लास्ट में जीरो हो, वन हो, टू हो, सब चलेगा, वो क्या हो गया इक्वेशन, इक्वेशन हो गया। इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन या एक्सप्रेशन? 3x² + 2x + y + z = 1, इक्वेशन या एक्सप्रेशन? इक्वेशन, इक्वेशन, बिल्कुल सही, इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, नहीं नहीं इक्वेशन बच्चा, इक्वेशन है, इक्वेशन है ना, सारा वेरिएबल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इक्वल्स टू 1 से इक्वेट कर रहे हैं सर, थ्री वेरिएबल, हां थ्री वेरिएबल हो गया, टू वेरिएबल नहीं, थ्री वेरिएबल हो गया यहां पे। हां सर इक्वेशन एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्लियर है? हां सर, यस हां सर, क्लियर, हां सर, यस सर, क्लियर, हां सर, क्लियर है सर, यहां तक लिख लो, थ्री वेरिएबल छोड़ दो, हो गया सर, हां सर, हां सर हो गया, ठीक है, क्लियर सर। हम लोग का जो पहला पार्ट क्वाड्रेटिक जो तुम लोग को पढ़ना है अप टू 10 तक, क्या क्या पार्ट है डिस्कस करते हो पहले, कौन सा पार्ट पढ़ना है, तो पहला जीरोस निकालना, ठीक है? जीरोस निकालने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, तीन मेथड होता है, एक फैक्टराइजिंग मेथड, ठीक, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा श्रीधर आचार्य का एक मेथड है, बाय यूजिंग फॉर्मूला बोलते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला लिखाएंगे उस फॉर्मूला को यूज करके रूट्स निकाल सकते हो, ठीक, ये तीसरा मेथड, ये तीनों पढ़ना है। फिर आता है क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम, यही चार पार्ट तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक। पहला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीन मेथड, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा तुम्हारे बुक में आर एस सवाल में तीन एक्सरसाइज दिया हुआ है, और फोर्थ एक्सरसाइज जो है ना वो है वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, ठीक। टॉपिक डालना मेथड्स, मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक, दस सॉल्व किसको करेंगे हमेशा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक। एक्सप्रेशन को सॉल्व, एक्सप्रेशन का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा क्या? एक्सप्रेशन का तो इनफिनाइट नंबर वैल्यू जाएगा ना बच्चा? यस सर, इनफिनाइट आएगा सर। एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं ना सर पहले से? इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक। सर एक्सप्रेशन तो सॉल्व रहता है पहले से, इसका मतलब एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं रहता, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ उसके बारे में, ज्यादा नहीं बात करेंगे। सुनो बच्चा, एक है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक, और एक है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका ना बच्चा बोला जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तुम x के जगह 1 पुट करोगे y आएगा 3, x के जगह 2 पुट करोगे y आएगा 5, x के जगह 3 पुट करोगे y आएगा 7, और बहुत सारा आएगा ना आगे। हाँ सर, ये सारा इसका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक।
ऐसा नहीं कि सर हम नेक्स्ट में एक वाई को डिफाइन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट में y को फिक्स कर दे जीरो, x इक्वल्स टू माइनस हाफ, इसका एक सॉल्यूशन आया माइनस हाफ कोमा जीरो, y तो फिक्स है ना जीरो, इक्वेशन का फिक्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है, लीनियर है तो एक आएगा, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम दो आएगा, क्यूबिक है तो मैक्सिमम थ्री आएगा, बाय क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम फोर आएगा, मैक्सिमम बोल रहे हैं सुनना, और एक्सप्रेशन का हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है हमेशा, इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिक्स रहता है सर डिग्री के हिसाब से, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिक्स होता है बट एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, इसलिए कभी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने बोल सकता है क्या? नहीं सर, पूछ सकता है, कभी कभी पूछता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो पुट करके चेक कर लेंगे, एक्स को टू पुट कर देंगे, वाई को फाइव पुट कर देंगे, एलएचएस आईएचएस सेम आ गया तो है सॉल्यूशन, नहीं तो नहीं है सॉल्यूशन, ठीक। तो एक्सप्रेशन में सॉल्यूशन पूछ नहीं सकता है, सॉल्यूशन नहीं निकालने बोल सकता, हाँ सॉल्यूशन दे के उसको सेटिस्फाई कराने बोल सकता है, ठीक, क्लियर सबसे बढ़िया गया। तो हमेशा जब भी सॉल्यूशन पूछेगा तो इक्वेशन का पूछेगा, एक्सप्रेशन का कभी नहीं पूछेगा, ठीक। एक्सप्रेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है तो वहां पे सॉल्यूशन दे के सेटिस्फाई करवा सकता है, सॉल्यूशन पूछ नहीं सकता है, क्लियर है? क्या बच्चा? नहीं सॉल्यूशन कभी नहीं पूछेगा एक्सप्रेशन, कभी नहीं, इनफाइनाइट होता कैसे निकालोगे। चलो बढ़ते आगे, तो फर्स्ट मेथड, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को ना तीनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, तीनों मेथड सीख जाओगे फिर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन। तो फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत इजी क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व दिस इक्वेशन, वही वाला सर, ये आंसर नहीं बोले बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ सही है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन में जेड होता है या एस होता है या दोनों हो सकता है? दोनों ही हो सकता है, ठीक है चलो सोचिए, फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है ना आप लोगों को, वही होता मेथड फैक्टराइजेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, सही है सर, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस सिक्स सर, नहीं नहीं वो नहीं होता, तब यहाँ पर माइनस सिक्स आता ना प्रोडक्ट, तो यहाँ माइनस सिक्स होता तब वो होता ना सर, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू, हाँ एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू, वेरी गुड सर, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कोमा थ्री, माइनस टू कोमा माइनस थ्री, हाँ सही है, यस सर, माइनस पहला पहला दो टर्म से एक्स कोमा निकालेंगे, एक्स प्लस टू, ये मेथड हम लोग क्लास एट से पढ़ते आ रहे हैं, बस रूट्स नहीं निकालते थे फैक्टराइज करते थे, यहाँ पर रूट्स निकालेंगे, थ्री टाइम्स एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, फिर से इस दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू कॉमन निकाल दिए, बचा एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो आइदर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, एक वैल्यू आया माइनस टू और एक वैल्यू आया माइनस थ्री, तो इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है, एक एक रूट है माइनस टू और एक रूट है माइनस थ्री, डाउट है यहाँ तक? डाउट है किसी को? नो पक्का? चलो लिख लो पहले सेकंड मेथड, फिर सेकंड मेथड बताएंगे, एक मिनट सर लिख रहे हैं, हो जाए तो बता देना सर, सेकंड वाले से भी सॉल्व हो गया, वेरी गुड, हो गया सेकंड मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यही पे सर मेनली प्रॉब्लम आता है सर, नहीं आएगा देखना हम जाते हैं, मतलब पहले इसका प्रूविंग देख लेते हैं कैसे होता है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर। मान लीजिए जनरल जनरल क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्वेश्चन हो गया, ठीक, सुन लो सर ध्यान से सब लोग,
सबसे पहले जो कोएफिशिएंट होता है ना, अच्छा एक चीज और जान ले बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसमें ए को बोला जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक। बी को बोला जाता है मिडिल कोएफिशिएंट, मिडिल कोएफिशिएंट, और सी को बोलते हैं कांस्टेंट या लीस्ट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और लीस्ट कोएफिशिएंट, इसको कहीं ना साइड में स्टार्टिंग में लिखना, ठीक। तो कभी बाय चांस लीडिंग बोले तो कंफ्यूज मत होना, हमेशा मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम पावर का जो कोएफिशिएंट होता है ना हर केस में उसको लीडिंग बोलते हैं। क्यूबिक में एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को लीडिंग बोलेंगे, बायक्वाड्रेटिक में एक्स टू द पावर फोर के कोएफिशिएंट को लीडिंग बोलेंगे। और क्यों बोला जाता है, अच्छा क्वाड्रेटिक है या नहीं है यही लीड कर रहा है ना, अगर मान लीजिए जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बचेगा क्या, अगर मान ले ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, अगर वो नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ठीक है। लीडिंग मिडिल और लिस्ट, सबसे पहला काम लीडिंग कोएफिशिएंट को कॉमन निकाल लो, ठीक। लीडिंग कोएफिशिएंट को कॉमन निकाल लो, अगर है तो, अगर वन होगा तो नहीं निकालेंगे। लीडिंग कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेंगे, कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू जीरो, ऐसा कुछ बनेगा ना, इसमें स्टेप में डाउट है किसी को, इस स्टेप में डाउट है बच्चा? इसको ना कंप्लीटिंग स्क्वायर सेट करना है, ठीक, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इस दो टर्म को गौर से देख, तुमको एक एक टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी पता है एक्स स्क्वायर, नहीं। अब इसको देख ध्यान से, मान ले एम प्लस एन का होल स्क्वायर क्या होता है, एम प्लस एन होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एम एक्स टू एम एन प्लस एम स्क्वायर, इसी फॉर्म में एम स्क्वायर तुम्हारे पास है। अब इसको ना टू इंटू एम इंटू एन के फॉर्म में सेट करना है, ठीक। तो टू नहीं था पहले, खुद से मल्टीप्लाई किए, इंटू x 2m आ गया ना, 2m आ गया ना, अब n को खुद से सेट करना है ताकि वो टर्म चेंज ना करे। 2 मल्टीप्लाई किए तो 2x का डिवाइड कर दिए, 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 डिवाइड कर दिए, ठीक है। हर टर्म में 2 आएगा ही आएगा, अगर 2 तुम खुद से मल्टीप्लाई, अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करना होगा। बड़े चाहे तो क्या लगता है, एन का वैल्यू क्या सेट हुआ, एन का वैल्यू क्या आया, एन का वैल्यू 2, ये रहा एम, ये रहा एन, बी बाई टू ए एन है ना, तो एन का स्क्वायर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, एन का स्क्वायर पास में होना चाहिए, बट ये तो खुद से ऐड किया ना तो माइनस भी करना होगा, और एक टर्म सी बाई ए पहले से गिवन था। अच्छे से इस एक्सप्रेशन को देख और किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लेना। नो सर। अरे आगे सब लोग देखे, मेन ये स्टेप एडजस्ट करने में किसको प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ये स्टेप एडजस्ट होगा तो एन का वैल्यू खुद ब खुद मिल जाएगा, उसका स्क्वायर कर देना। हाँ बोल बोल बोलो ना सर, a प्लस बी होल स्क्वायर लेना चाहते हैं सर, a और b यूज किया था ना पहले, इसलिए a और b टर्म नहीं लिखे, mn सो बोल रहा है क्योंकि a और b पहले ऑलरेडी होल स्क्वायर। हां ये देखो ना, ये m स्क्वायर था, यहां देख 2 और m पहले से है ना, n को सेट कर ले, n मिल जाएगा तो n का स्क्वायर खुद से कर देना,
ये खुद से ऐड के तो माइनस भी करना होगा, और ये सी वाई पहले से था, ये वाला सही बच्चा यहाँ तक। यस सर। तीन टर्म को गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ तक, ये लिखा हुआ a टाइम्स x प्लस b बाय 2 a होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और माइनस ये वाला टर्म लिखते हैं b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 a स्क्वायर प्लस c बाय a इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा तुम्हारा a टाइम्स x प्लस b बाय 2 a होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे माइनस को मैं निकाल के, माइनस को मैं निकाल के एलसीएम लोगे नीचे आएगा 4 ए स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। एक बार चेक कर लो सिस्टर को, डाउट है Excuse me, sir. So, second statement जो है वो एक बार और समझा दीजिएगा। Second step ये वाला। हाँ। ये। वही वाला। अच्छा वो question में नहीं लेके समझा दे, अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा wait करना, question में लेके समझा दूँगा। ठीक है। Okay sir। Question से समझा दूँगा। अच्छा देख ध्यान से क्या बन गया ये। A into x plus b by 2a whole square, और पता है b square minus 4ac के एक स्पेशल नाम दिया गया है discriminant। हाँ discriminant b square minus 4ac को एक्चुअली इस टर्म का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक अभी तो तुम्हें ज्यादा नहीं चाहिए, रियल होगा या इमेजिनरी होगा वो डिफाइन कर। हाँ रूट्स तुम्हारा रियल होगा, इमेजिनरी होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, रैशनल होगा, इरैशनल होगा, सब कुछ यही डिसाइड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इस चीज को एक स्पेशल सिंबल और एक स्पेशल नेम दे दिया गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ठीक कैपिटल डी से डिनोट कर रहा है। इसको लो माइनस माइनस डी अपॉन 4 ए स्क्वायर लिख लें इक्वल्स टू 0। यहां पे सही बचा। अब यहाँ से सॉल्व करते ना एक्स का वैल्यू निकालो। अच्छा ए को तो आर एस ले आ सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो जीरो हो जाएगा। तो उस डिवाइड yes, करने के बाद एक्स प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन फोर ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। इस टर्म को ले आ इस साइड माइनस में है तो प्लस होके आ जाएगा। एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी अपॉन फोर ए स्क्वायर सही है। यस सर। एक्स प्लस बी बाई टू ए का जब वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट लेके तो प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन फोर ए स्क्वायर आएगा ना, सही है। हाँ सर आएगा। हाँ अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल ले, एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इस टर्म को ना इस साइड ले आ, तो माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा नीचे फोर ए स्क्वायर है ना उसको तो हम लोग टू ए लिख सकते हैं, उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे रूट डी रहने दे और नीचे ना टू ए कर लेते हैं तो प्रॉब्लम। अब फाइनली देख फाइनली एक्स एक्स का दो वैल्यू आया होगा, एक्स का दो वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी होल डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम ले लिया। एक एक्स का वैल्यू आया माइनस बी प्लस रूट बी बाय 2 ए और दूसरा एक्स का वैल्यू आया है माइनस बी माइनस रूट बी होल डिवाइडेड बाय 2 ए। यही है तुम्हारा मेथड
एक्चुअली देखो ना, क्वाड्रेटिक थोड़ा जनरलाइज लिया था ना, इसलिए इतना लेंदी चला गया, बार बार इतना लेंदी जाएगा नहीं, ठीक, तो डरना मत, तो इतना स्टेप करना होगा, ठीक है, तो इतना लेंदी बार बार नहीं हो, 3 से 4 स्टेप में हो जाता है। ये जनरलाइज लिए थे, एबीसी नोन तो था नहीं। तो डेरिवेशन काफी बेसिक है, लॉजिकल चीज, तो खुद से करोगे तो स्टार्ट आगे बढ़ते जाओगे ना, तो हो जाएगा वो चीज, तो प्रॉब्लम नहीं है। चल लिखे यहाँ तक लिख ले, फिर बता देना। क्वेश्चन दीजिए। जा क्वेश्चन दीजिए, देखो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में से क्वेश्चन ही क्वेश्चन थ्योरी का थ्योरी तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सर अगर पूछेगा कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसको बोलेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व करके दिखाओ, तो सर ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर वही a प्लस b होल स्क्वायर? फॉर्मूला नहीं, ये पूरा मेथड यूज करना होगा, ठीक, इस केस में ये तो भाई a प्लस b होल स्क्वायर टाइप का लाने की कोशिश करना है। बाय यूजिंग फॉर्मूला बोले ना, जो थर्ड मेथड आने वाले यही है, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड बोले ना, बाय यूजिंग अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलेगा तब जाके सब ये जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का मेथड लाए ना, वो श्रीधर आचार्य लाए थे, तो उसको इसको बोला जाता है श्रीधर आचार्य मेथड। क्या बोलते हैं? श्रीधर आचार्य मेथड, ठीक है सर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन, उनका नाम था श्री श्री वो तो रिस्पेक्ट देने वाला श्री श्रीधर आचार्य, ठीक, आचार्य। अब छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, नहीं श्रीधर आचार्य मेथड, ठीक, बहुत आगे इंडियन मैथमेटिशियन बहुत ज्यादा काम तो नहीं किए, लेकिन कुछ कुछ काम किए हैं, कुछ कुछ लोगों का नाम बढ़ते जागे। हटा इसको। यस यस सर। हाँ सर, उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वही वाला। तो क्वेश्चन सेकंड मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था मेरा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, आपसे ज्यादा बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, बोलते हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग। सर सुनाई नहीं दे, बोलेंगे तो सुनाई देगा। अब सही है, पिछड़ा हुआ ना अभी भी। हाँ क्या था क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 5x था ना, उसी को सॉल्व करते ताकि आंसर मैच कर लेंगे। प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो सुनना ध्यान से, एक टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी है। हाँ सेकंड मेथड है। प्लस 2ab सेट करें, 2ab तो 2 इंटू ए तो यही होगा ना ए। अब ऐसा कुछ एडजस्ट करो कि ये 5x बन जाए, 5/2 लेना होगा ना यहाँ पे। यस बच्चा, किसी को डाउट है इस स्टेप में? जो बोल कौन बोल रही थी सर, वो सेकंड स्टेप में? नो सर, अब डाउट क्लियर हो गया। क्लियर ना बच्चा, ठीक। यस अच्छा, तो सेकंड टर्म मेरा बन क्या गया? बी क्या हो गया सेकंड टर्म? 5/2 ना, 5/2 का होल स्क्वायर, ये खुद से ऐड किए तो -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 6 ऑलरेडी गिवन था। अब इस तीन टर्म को गौर से देखो, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं। अब कांस्टेंट जो टर्म है ना उसको आरएचएस में ले जाओ,
एडिशन चला जाएगा 25/4 - 6 सही है। डाउट है यहाँ तक? यस सर, नो सर, नहीं सर। हो गया 1/4 एलसीएम लेके माइनस कर लेना आ जाएगा 1/4 सही है। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड एक्स प्लस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 एक्स प्लस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ एक्स का सॉरी हाफ 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 एक मिनट कहाँ जा रहा है यहाँ पे हाफ एक्स इक्वल्स टू 5/2 के लिए उस साइड तो -5/2 प्लस माइनस हाफ एक बार प्लस साइन के साथ निकाल ले एक बार माइनस साइन के साथ निकाल ले एक सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा -5 + 1/2 और एक सॉल्यूशन आएगा -5 - 1/2 ये हो गया -2 और ये हो गया -3 इस सिस्टम में डाउट है तो पूछो और नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। नो डाउट जो डाउट होगा ना इसी स्टेप में होगा नो डाउट no जिसको डाउट नहीं होगा उसको पूरा में कहीं डाउट नहीं होगा। तो अगर पूछे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है तो इस सेकंड स्टेप से शुरू करना है। हाँ यहाँ से सर फॉर्मूला पुट करने से तो हो जाएगा सर बाय यूजिंग फॉर्मूला बोलेगा तब ना नहीं बोलेगा तो वही खुद से करना पड़ेगा नहीं कुछ बोलेगा तो जो मन सो कर सकते हो कुछ नहीं बोला तो जो मन सो कर और बोल दे फॉर्मूला यूज करना हां बाय यूजिंग फॉर्मूला तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे अभी प्रूफ मतलब ये वाला तो मतलब से ये वाला -b + √d/2 ये वाला हां सर वही वाला ठीक है हां फॉर्मूला यूज करना ही बेटर होता है अगर कुछ नहीं बोला तो बेटर होता लेकिन बोल देता ना टेंथ में बोल देगा आगे कभी प्रॉब्लम नहीं सर अच्छा लगता है फॉर्मूला वाला है तो इसे सोचना पड़ता है। चल इसी को थर्ड मेथड सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला फार्मूला थोड़ा ड्राइव कर चुके हैं दोनों सेम ही चीज है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला दोनों सेम है एक मेथड है एक ही रिजल्ट निकलता है रिजल्ट एक ही नहीं एक ही चीज है वो एक में हम लोग मेथड प्रूव करते हैं और दूसरा में सीधा फार्मूला यूज कर लेते हैं इसको हटाए कर लिया इसको तो फैक्टराइज करने से भी तो हो जाएगा सर यस यस बिल्कुल हो जाएगा लेकिन हर हर क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज नहीं कर पाओगे ठीक ओके सर इसी को थर्ड मेथड सॉल्व करते हैं ठीक थर्ड मेथड से बाय यूजिंग फॉर्मूला थर्ड मेथड Solve the quadratic equation by using formula. Solve. एक मिनट में बच्चा Solve the quadratic equation by using formula. Solve the quadratic equation by using formula. Formula में last में e होता है कि नहीं होता उसे? Formula के last में e होता है या a होता है? मतलब a भी होता है, e भी होता है sir. इस फॉर्मूला में ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सी यूज किया नहीं बट सी तो डी में यूज करेगा ना डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता क्या है डिस्क्रिमिनेंट ठीक है और वहां पे सी यूज किया सी क्या है बच्चा कांस्टेंट
या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है सही यहां तक? हाँ सर। यस सर। यस सर। लिख ले पहले इसको, सब हो गया, सब हो गया। यस ओके चलो। नो सर। वेट कर रहा, हो गया बच्चा? यस सर। चलो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं थर्ड मेथड से। एक्स सर एक बार फिर से दिखाएंगे पिछला पेज। तो डिलीट किया जाएगा। आगे ले। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको सॉल्व करने बोला बाय यूजिंग फॉर्मूला a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 5 है, c इक्वल्स टू 6 है। तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मींस 5 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 6, 25 माइनस 20 4 equals to 1, सही है? अब लगा दे फॉर्मूला x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a, तो कितना आया? minus 5 plus minus 1 by 2, एक आएगा minus 4 by 2 और एक आएगा minus 6 by 2, सही है? Yes sir. सर आज क्लास कितने बजे तक होगा? 1:30 sorry 1:45. ओके बने आगे। यस सर। अब क्वेश्चन देते तुम लोगों, ठीक है? चलो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाइफैक्टराइजेशन मेथड ये तो हो गया, जल्दी दूसरा देते हैं। फैक्टराइजेशन सही करना, ठीक तो हो गया इतना। ये भी फैक्टराइजेशन सही। सब कुछ फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है।
से दोनों हो गया। हाँ सर हो गया। अच्छा हो गया दोनों। यस सर। यस सर। दोनों हो गया। यस सर दोनों। फर्स्ट तो कुछ ने फर्स्ट तो फैक्टराइज किया हुआ है बस। जब पहला में डाउट है किसी को फर्स्ट कितनों का नहीं हुआ? सर हो गया सर। सर हो गया। फर्स्ट कितनों का नहीं हुआ ऑनेस्टली बताना मुझे प्लीज। चलो बता कौन किसका किसका नहीं हुआ फर्स्ट। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डाउट अपना होता है डाउट के शर्माना नहीं चाहिए ठीक। दोनों के दोनों एक ही मेथड से किए। हाँ एक ही मेथड फैक्टराइजेशन उसी से करना था। ये सबका हो गया। चलो फर्स्ट छोड़ देते सेकंड जाते हैं। सर सेकंड भी छोड़िए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। नहीं वो सेकंड जाते हैं। चलो सेकंड सेकंड इस दोनों का हाँ इस दोनों क्या हम लोग करते हैं इस दोनों का प्रोडक्ट पहले देखते हैं ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते पहले ना और जितना आता उसको भी इसी सम के फॉर्म में सेट करते हैं। देखो ना ऑलरेडी किया हुआ है। देखो इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा एम एन और यहाँ पे देख दो टर्म है दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा एम एन तो ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ है। कुछ नहीं करना है बस इसी को थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दो एम एन एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स प्लस वन। यही करती है ना क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन चेक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चेक करने के लिए क्या करती है इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स का कोएफिशिएंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सच दैट इस दोनों का प्रोडक्ट भी सेम हो जाना चाहिए ना। यस यस ऑलरेडी किया हुआ है। इस दोनों का प्रोडक्ट भी एम एन है। इस दोनों का प्रोडक्ट भी एम एन है किया हुआ है ठीक। अब इस दोनों से क्या कॉमन लेंगे एम एक्स ना बचेगा कितना एन एक्स माइनस वन। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस वन बचेगा क्या एन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो एम एक्स माइनस वन इंटू एन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आइदर दिस इक्वल्स टू जीरो यहाँ से एक्स का वैल्यू वन बाई एम आएगा और यहाँ से एक्स का वैल्यू वन बाई एन आएगा। यही दोनों सॉल्यूशन है। जल्दी देखिए इसका नहीं हुआ फिर आगे देते हैं। दे दीजिए ऊपर क्वेश्चन बता दे रहे डाउट है तो फिर से पूछ ले सेकंड वाला नहीं है तो बता दें आगे। थर्ड नंबर सर ये किस मेथड से करना है फैक्टराइजेशन अभी सारा फैक्टराइजेशन करना है ठीक। ओके सर थ्री रूट सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस रूट सेवन इक्वल्स टू जीरो फैक्टराइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन वन अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू वन बाय सॉरी उसको मिटाना पड़ेगा हटा दे सेकंड वाला सेकंड क्वेश्चन हटाए। हाँ यस ये तो बोल देते हैं कि म्यूटेशन की पर कौन सी म्यूटेशन किस पार्ट में हुई। चलो 1 by a plus b plus x equals to 1 by a 1 by a plus 1 by b plus 1 by x। थर्ड क्वेश्चन 2xy x minus 3 plus 1 by 2x minus 3 प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस थ्री। सर पहले का आंसर आ गया सर
सर 3x प्लस रूट 7 टाइम्स रूट 7x माइनस 1 सेकंड का थर्ड का सर पहले वाला मतलब ऊपर जो लिखा है ना सर ये x का वैल्यू आएगा सर ये 1 बाय रूट 7 और दूसरे x का वैल्यू आएगा सर ये x इक्वल टू माइनस 7 ये माइनस रूट 7 बाय 3 अच्छा आगे आगे ट्राई करो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट थर्ड का सर फोर्थ वाले का है 1 बाय a प्लस b प्लस x है n लिखे हैं आप x x चलो फर्स्ट का आंसर बताओ आप इससे जुड़े हुए चलो फर्स्ट का आंसर बताओ x इज इक्वल टू माइनस रूट 7 बाय 3 और 1 बाय रूट 7 मुझे आंसर देखें तो कम से कम एक क्वेश्चन ही लिखता आंसर सॉल्व थोड़ी ना किए हैं एक मिनट शॉर्ट टाइप आंसर का क्वेश्चन नंबर कितना है 8 शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 8 हां अब बोल x इक्वल टू माइनस रूट 7 बाय 3 और 1 बाय रूट 7 नहीं आगे बोल दूसरा सर नहीं सॉल्व हो रहा सर एक्चुअली 4x है ना इसलिए प्रॉब्लम हो गया है क्वेश्चन सही लिखे हैं चेक करने दे क्वेश्चन नंबर 8 हां सर यहां तक तो जो है सही दिख रहा है चलो देखते ट्राई करते हैं सर मेरा भी आंसर वही तो आया 1 बाय रूट 7 हां सर मेरा भी वही आ रहा सर सब बुक में जहां से हम देख रहे हैं वहां से रॉन्ग हो चेक कर लेते हैं एक बार हां प्रोडक्ट कितना आ रहा प्रोडक्ट 7 * 3 - 21 ना इसको फैक्टर जरा सुना ध्यान से इस दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना है माइनस 21 यहां से भी तो आ जाएगा प्लस 7 माइनस 7 माइनस 3 हां तो 3 रूट 7 x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस रूट 7 इक्वल्स टू 0 फर्स्ट और सेकंड से क्या कॉमन निकालेंगे बच्चा रूट 7x ना बचेगा क्या 3x और प्लस रूट 7 यहां से क्या कॉमन निकालेंगे माइनस बचेगा क्या 3x प्लस रूट 7 इक्वल्स टू 0 सही है तो सर हमारे भी 7x माइनस 1 इनटू 3x प्लस रूट 7 इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू आएगा 1 बाय रूट 7 तुम लोग का सही है जहां से मैं आंसर देखा उसका सॉल्व हां सर मेरा भी यही आया सर तुम लोग का सही है सॉरी हाँ रूट 7 बाय 3 यही सही होगा यहाँ से जो ठीक है सेकंड ट्राई करो सेकंड नंबर सेकंड का नहीं होगा सर सेकंड का सर रुकिए रुकिए ट्राई करना ट्राई कर सर बना रहे हैं सर एक मिनट जिसका हो जाए मैसेज करना ठीक देते हैं सुनो चाहे ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखेगा एक काम कर क्या करोगे
तो 1 by x को ना LHS में ले आओ, 1 by x को पहले LHS में ले आओ, फिर modification करना, benefit होगा, ठीक? ये बोलना चाह रहे हैं, इसको पहले ऐसे बना दो, 1 by a plus b plus x, आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ सर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, 1 by a plus b plus x minus 1 by x equals to 1 by a plus 1 by b, तो प्रॉब्लम तो है, नहीं कर सकते ना चीज, फायदा क्या होगा, LCM लोगे तो x कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर वाला, फिर a प्लस बी भी कैंसिल हो जाए, ट्राई करना, हो जाएगा, दिख जाएगा, ट्राई करो, ये कर तो सकते हैं ना, इस साइड उस साइड को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक स्टेप करना, उसे एलसीएम नहीं लेगी यार, एलएचएस में, एलएचएस में तो एलसीएम लेगी, तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा एक्स इनटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, एक x कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई ए बी, ट्राई करा दो, हाँ सर हो रहा है अभी, ऊपर से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस ए कॉमा माइनस बी, No, sir. यहाँ के बाद आना चाहिए, नहीं आ रहा, आना चाहिए, सर किसके बाद, इस स्टेप के बाद, ये जो स्टेप बताया ना, इसके बाद आना चाहिए, वो माइनस वन बाई एक्स करने से ऊपर कैंसिल करना, बच्चा ऊपर कैंसिल कर लो ना, ये माइनस ऑफ ए प्लस भी नहीं लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, बस इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई ए बी, ए प्लस बी कैंसिल कर लें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको ले जाओ उस साइड, इसको ले जाओ इस साइड, तो माइनस ए बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, सारे टर्म को एक साइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू जीरो, ये नहीं हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, स्प्लिट तो किया हुआ है, देखो स्प्लिट ऑलरेडी किया हुआ है, इसको कॉमन निकालना है, इसका हो गया थर्ड ट्राई करना, थर्ड लिखा हुआ क्वेश्चन, हो गया सर, उस सेकंड में आंसर आ गया अच्छा सबका, इसको तो फैक्टराइज कर लोगे ना, x इक्वल्स टू माइनस हो गया मेरा, हां क्या बोला, x इक्वल्स टू माइनस b और दूसरा x इक्वल्स टू माइनस माइनस है, हां सही है जी, कर लेगी ना इसको, कौन बोल रहे थे नहीं हो रहा है, यस पक्का, हाँ ठीक है, तो इस पर कर ही देते हैं, देखो स्प्लिट किया हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए आएगा, बी कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए आएगा इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस ए कॉमन लेंगे तो एक फैक्टर बचेगा एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, एक वैल्यू माइनस ए आ जाएगा, एक वैल्यू माइनस बी आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस ए और x इक्वल्स टू माइनस बी, डाउट है किसी को, डाउट है तो बोलो फिर से बता देंगे एक बार, बोलना डाउट है सर, बोल
आप जो सर ये क्या कहते हैं वन बाई एक्स को जब आप माइनस किए सर आप उसका एलसीएम कैसे निकाले सर? कैसे निकाल तो एलसीएम इसको ले इसको ले गए सॉरी 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 मेरे पे इसको ले गए ऊपर इसको ले आए इस साइड और इधर मल्टीप्लाई में कैसे निकालते ना वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव क्या करते हैं फाइव माइनस थ्री बाई फिफ्टीन करते हैं वही किए हैं अच्छा और किसी को डाउट सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी मुझे सेकंड क्वेश्चन में डाउट है किसी को थर्ड में डाउट इंपॉर्टेंट अब जाइए क्वेश्चन ठीक बहुत थर्ड वाला कर रहे सर थर्ड ला करो ये भी इजी है तो ऐसा लेंथी दिखे ना तो डरा मत करो ठीक कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है एलसीएम सबका एक टाइप का आ जाएगा बनेगा बनेगा ट्राई करो ना हाँ सर से एलसीएम बस एक ही आएगा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो सब लोग ट्राई करो नहीं बनेगा तो बताएंगे कभी ना कभी तो बनना शुरू होगा ना ट्राई करते रह करो ठीक सर आ गया बोले नहीं रुक जा जब बोलेंगे तब बोलना जब बोलेंगे तब बोलना सर प्राइवेट चैट का ऑप्शन रहता है क्या सिर्फ मैं देख सकूं ऐसा चैट सर भेज रहे रुकिए उसमें भेज सकते हैं हाँ तो भेज दिए देखा सर एक मिनट दीपनील हाँ सर सर वो थ्री बाई टू होगा प्लस या माइनस सर प्लस प्लस क्वेश्चन नंबर कितना था ये एक मिनट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 15 माइनस में बहुत गलती है इसमें एक ही आंसर दिया माइनस वन आ रहा है क्या हाँ सर क्वाड्रेटिकल माइनस वन नहीं आ रहा था आ तो रहा है माइनस वन हाँ सर दूसरा दिया नहीं बेचारे को ना सॉल्व करते हैं बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें सही है जब एक सही दूसरा भी सही होगा जल्दी 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 चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर एक मिनट सर रुकिए ना हाँ सर रुकिए और किसी का कुछ आया किसी को नहीं दिख रहा है सर आ तो रहा है सर दिख रहा है उसका इशू ज्वाइन कर किसी को पिन कर लिए होगे ज्वाइन कर ज्वाइन कर क्या करने से चला जाता है अभिमन्यु आया हाँ सर आ गया लास्ट में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है उसमें स्प्लिट कर रहा हूँ आर्या आर्या रॉय आर्या कहाँ सो गया कनेक्ट करके सर आ गया ओके कौन बोली आर्यस हो गया आर्यस को बताते हैं अरुष कर कर अदिति यस सर कर रही हूँ सॉल्व आदित्य यस सर सॉल्व कर रहे हैं अभी पक्का हाँ सर पक्का सर मेरा आंसर सही है मैंने आपको भेजा देखते हैं चल जाते हैं चेक कर नहीं ये लोग गए हुए
देखते हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे सर। कुछ रूट में है क्या सर? नहीं नहीं रूट में नहीं है, इस दोनों टर्म का एलसीएम लेते हैं। जब नीचे आएगा एक्स माइनस थ्री इंटू सॉरी टू एक्स, एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। ऊपर आएगा टू एक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री और प्लस एक्स माइनस थ्री, और एक टर्म ये वाला है थ्री एक्स प्लस नाइन। थ्री एक्स प्लस नाइन आया एक सॉल्यूशन, क्या आया मैसेज कर देखते हैं। थ्री एक्स प्लस नाइन कहाँ का क्वेश्चन? हाँ थ्री एक्स प्लस नाइन है सर। थ्री एक्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। फिर से एलसीएम लोगे तो डेनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा ना, ऊपर आ गया तुम्हारा फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। देख लीजिए इसको ले जाए इस साइड, देख रहे हैं सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, और आंसर दिया हुआ भी नहीं है तो मुझे बनाने दे, जिसका सही होगा उसको बता देंगे। ठीक चलो फाइनली जो क्वाड्रेटिक आया, फाइनली जो क्वाड्रेटिक आएगा वो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, एक्स कितना दिख रहा है देखो तो माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स कॉन्स्टेंट देखता हूँ माइनस थ्री प्लस नाइन प्लस सिक्स हो जाएगा ना प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। टू से डिवाइड कर ले टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, फैक्टराइज होगा ना टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। सॉरी 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 सर मैंने आपको भेजा सर। अब ताबिस आलम तुम्हारे लोग के क्लास का है क्या सर? शायद हाँ यस सर, यस सर हम ही लोग क्लास है। ठीक है सर देखो आगे देखते हैं थ्री एक्स इक्वल्स टू थ्री इक्वल्स टू जीरो, इसे कॉमन लेंगे एक्स तो आएगा टू एक्स माइनस थ्री, और इससे एक मिनट कैसे हो गई कुछ गलती की क्या? एक ट्राई से नहीं हो रहा है सर, मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है इसमें, बट सब लोग का यही आ रहा है क्या? क्या आ रहा है सब लोग? हाँ वो हम लोग सबका यही आ रहा है, ये सही हो चाहे क्वाड्रेटिक देखते हो सर। यही ये सर ये नहीं आ रहा है फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस सिक्स आ रहा है फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। हाँ सर मेरा यही आ रहा है, ये मैं चेक कर ले रहा हूँ। हाँ यस सर मेरा भी वही आ रहा है माइनस। कौन जो स्क्रीन पे लिखा वो ये जो वो बोला सर, सर जो मैं बोल रहा था वो जो बोला वही सर आ रहा है। ये मैं चेक कर फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री और प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस टू एक्स आएगा। नहीं जी तुम लोग अपना चेक करो कैलकुलेशन, तुम लोग कहीं रॉन्ग किया है। यस सर मेरा गलत, तुम लोग चेक करा तो तुम लोग अपना स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन चेक करो सर। x इक्वल्स टू माइनस वन और x इक्वल्स टू थ्री, x इक्वल टू थ्री थ्री तो कभी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं ना। अच्छा हाँ माइनस वन और थ्री सही है, मेरा कहाँ कैलकुलेशन रॉन्ग है? नहीं सर मेरा को भी इधर से एक प्रॉब्लम आया था सर, प्लस माइनस में, प्लस माइनस प्रॉब्लम हो रहा है ना? हाँ सर इधर एक प्रॉब्लम आ रहा है जब यहाँ माइनस नहीं दिया तुम लोग। हाँ सर तो माइनस होना चाहिए सर, लेकिन यहाँ तो प्लस ही आ रहा है यहाँ नाइन, और नाइन माइनस थ्री प्लस सिक्स आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चा। सर अब तो मेरा सॉल्यूशन ऐसे इमेजिनरी नंबर्स में आ रहा है। यस सर वन प्लस रूट नेगेटिव बाय वन माइनस रूट नंबर्स में ही आएगा सॉल्यूशन, इसका डिस्टेंस नेगेटिव आया क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक किया है। ठीक देखो ना डी नेगेटिव है इसका, हो सकता है ये क्वेश्चन
हाँ मतलब ये कहीं प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक कर दिया, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, जिस बुक से हम क्वेश्चन दे रहे हैं प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है। ठीक है आगे बढ़े सर, आप इसका सर आप पूरा क्वेश्चन एक बार व्हाट्सएप में भेज दीजिए। होमवर्क है आरएसवाल बुक खोलना, उसमें पहला एक्सरसाइज यही है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर, सिर्फ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना। ठीक नेक्स्ट वीक कंप्लीट स्क्वायर देंगे फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग फार्मूला, ये दोनों कंप्लीट कर लोगे बाय यूजिंग फार्मूला वाला भी। थैंक यू सर। फैक्टराइजेशन वाला और बाय यूजिंग फार्मूला वाला ये दोनों कंप्लीट कर लेना है सर। मैं अपने कंडीशन से आपको भेजूंगा सर, कैसे करके सर प्रॉब्लम आ रहा है सर। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। करें मीटिंग एंड। हां सर। हां सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू।